दोस्तों कल रात प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोट को बैन कर एक बहुत ही बड़ा अचंभा सा दे दिया है हम लोगों को। और आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा कि उनका 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे दो कारण डिस्कस करूंगा जो हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में हो कि जिनके कारण उन्होंने 500 और 1000 के नोट को बंद किया है। जो पहला रीजन है वो है ब्लैक मनी का रोकना। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम के सोर्स ऐसे हैं जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है, जिसके कारण उस इनकम सोर्स से जो पैसा उनको मिलता है वो उसको बैंक में नहीं शो कर सकते हैं और जो वो पैसा उनको अपने पास ही रखना पड़ता है। वो पैसा 500 और 1000 के नोटों के स्टैक में ही वो अपने पास रख सकते हैं क्योंकि वो सबसे इजी मीडियम है पैसे को स्टोर करने का। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टैक्स से बचने के लिए पैसे को अपने पास रख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है जिसको आपको टैक्स भरना है पर आप उस पर टैक्स भरना नहीं चाहते हैं। जैसे कि अगर आप 10% की स्लैब में हैं तो आपको 1,00,000 रुपये पर 10,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 20% की स्लैब पर हैं तो आपको 20,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप 30% की स्लैब पर हैं तो आपको 30,000 टैक्स भरना पड़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग उस 30,000, 20,000 या 10,000 रुपये बचाने के लिए हम 1,00,000 रुपये को अपने पास रख लेते हैं और सरकार को शो नहीं करते, जिसके कारण वो 30,000 रुपये बचाने के चक्कर में पूरी सी पूरी 1,00,000 रुपये वो हमारी ब्लैक मनी हो जाती है, जिसके कारण हमारी सरकार को काफ़ी नुकसान होता है। सरकार यही चाहती है कि वो ब्लैक मनी सरकार के पास आ जाए। और ब्लैक मनी को स्टोर करने का सबसे आसान तरीका है उसको 500 और 1000 के नोट में स्टोर करने का, क्योंकि वो जगह भी कम लेते हैं और कम जगह में काफ़ी पैसा आप स्टोर कर सकते हैं। तो सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया है, इसके कारण जिन लोगों के पास ब्लैक का पैसा है उनको वो पैसा बैंक में नहीं डाल सकते और वो मार्केट में चलेंगे नहीं, इसके कारण उनका सारा भी ब्लैक का पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और रद्दी कागज से ज़्यादा नहीं रहेगा। और जो दूसरा रीज़न है वो ये कि जाली नोट। मार्केट में 500 और 1000 के नोट, बहुत से जाली नोट मार्केट में आ चुके हैं और उन जाली नोटों की दिक्कत से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक बीड़ा उठाया है। जो 500 और 1000 के जो नकली नोट हैं बैंक तो उनको एक्सेप्ट नहीं करता है पर वो मार्केट में सर्कुलेट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग में सर्कुलेट करते रहते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सर्कुलेट करते रहते हैं। पर जैसे ही ये मार्केट में चलने बंद हो जाएंगे तो आपको कोई भी रिटेलर, कोई भी दुकानदार, किसी भी तरह के डीलिंग में ये 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे, जिसके कारण जो 500 और 1000 के नकली नोटों के कारण हमारी इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ रहा था और जो कंज्यूमर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा था वो कंज्यूमर का नुकसान कम हो जाएगा और मार्केट से जो जाली नोट हटकर नए नोट आ जाएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 500 और 2000 के नोट को नए रिलीज करेंगे। अब दोस्तों इससे हम सोचें कि इससे 500 1000 के नोट ब्लैक मनी निकल गई, सिर्फ फायदा क्या होगा? तो दोस्तों सिर्फ फायदा ये होगा जो प्रॉपर्टी के रेट में जो धांधली चल रही थी वो कम हो जाएगी, प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाएंगे, आपको मकान आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। स्कूल्स में एडमिशन के लिए, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो कॉलेज फंडिंग मांगते थे वो कैश में मांगते थे, वो कैश ना होने के कारण, बड़े नोट ना होने के कारण वो कम हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको इसी के हिसाब से बहुत से नए फायदे देखने को मिलेंगे जो ये 500 और 1000 के नोट को बैन होने के कारण होंगे। तो फिलहाल कंज्यूमर को कुछ दिन थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी पर ये थोड़ी सी दिक्कत लॉन्ग टर्म में देखें तो हर कंज्यूमर को काफ़ी फायदा देगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन के पीछे क्या कारण था जो उन्होंने 500 और 1000 के नोट को बैन किया है और आप समझ गए होंगे कि इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो को लेकर कुछ सुझाव हो, कुछ सजेशन हो या आप कुछ बात करना चाहते हो, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब देने की बहुत कोशिश करूंगा। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।